हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लेन इलेवन। और आज हम लोग एक्सप्लेन इलेवन का जो सबसे बड़ा प्लेन है, पैसेंजर प्लेन बोइंग 747-400, उसको चेन्नई से हैदराबाद ले जाने वाले हैं। ये अब हम लोग टेक ऑफ करेंगे चेन्नई एयरपोर्ट से। टेक ऑफ हो गया है सक्सेसफुली। तो अभी हम लोग ऑटो पायलट ऑन कर देंगे। ओके, ऑटो पायलट ऑन। सो अभी VNAV एंगेज नहीं है, क्योंकि अगर VNAV एंगेज करेंगे तो स्पीड, मतलब वर्टिकल जो स्पीड है वो बहुत जल्दी से इंक्रीज होगा, तो फ्लाइट स्टॉल हो सकता है। ये एक प्रॉब्लम है 747 का। पहले वे पॉइंट तक मैनुअली अप्लाई करेंगे, मतलब VNAV ऑन नहीं करेंगे, फिर जाके VNAV को ऑन करेंगे। ये 747 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 737 से। बहुत बड़ा प्लेन है और इसका रेट ऑफ डिसेंड और रेट ऑफ जो वर्टिकल स्पीड जो इंक्रीज़ करता है, ये बहुत फास्ट है 737 से। सो ये हम लोग अब क्रूज़ कर रहे हैं 36,000 फीट पे। अब हमारा LNAV, VNAV सब कुछ ऑन है। तो यहाँ पर हेडिंग सिलेक्ट करते हैं, रनवे का जो कोर्स है उसको 270 डिग्री होगा हमारा। इसका ऑटो पायलट भी थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि इधर पे अलग से कोर्स का कोई, मतलब कोर्स डालने का कोई बटन नहीं है, तो हेडिंग पे ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो कोर्स, रनवे का कोर्स। और जो FMS है, FMS में है, अप्रोच में आपको मिल जाएगा ILS फ्रीक्वेंसी, सॉरी अप्रोच नहीं, रेडियो नैप पे आपको मिल जाएगा ILS फ्रीक्वेंसी एंड रनवे का कोर्स। तो उधर पे सेट करना पड़ेगा, फिर हेडिंग पे सेट करना पड़ेगा। सो हमारा टॉप ऑफ डिसेंट सामने है 3 miles। ये आप देख सकते हो एक छोटा सा एकदम पॉइंट है, ये भी एक प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं देता है कभी कभी। तो एक्सप्लेन वालों को काम करना चाहिए, एक्सप्लेन को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। 737 तो बहुत अच्छा है एक्सप्लेन में, 747 में शायद काम पूरा से कंप्लीट नहीं हुआ है उन लोगों का, तो थोड़ा सा और डेवलप करना चाहिए एक्सप्लेन को। सो ये ऑटो पायलट अपने आप ही स्पीड को रिड्यूस कर रहा है। अभी हम लोग वर्टिकल स्पीड मोड को ऑन कर देंगे तो फ्लाइट अपने आप ही डिसेंट करेगा। ये हमारा फ्लाइट डिसेंट चालू कर दिया है। सो हम लोग हैदराबाद की ओर डिसेंट कर रहे हैं अभी। ये आप देख सकते हो, एयर इंडिया का फ्लाइट है, बहुत शानदार नज़ारा है। सुबह का वक्त है, एकदम सफेद बादल है आसमान में। सो बोइंग 747 में 4 इंजन है, 737 में 2 इंजन था, यहाँ पर 4 इंजन है। जंबो जेट है, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, मतलब पैसेंजर एयरलाइनर में ये दूसरी सबसे बड़े एयरक्राफ्ट है। पहले नंबर पे है हमारा एयरबस A380 और नेक्स्ट बोइंग 747। सो कॉम्प्लिकेटेड है 737 से, बहुत कुछ है इस फ्लाइट में, इसको कंट्रोल करना, चलाना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्वियसली होगा ही, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट जो है। सो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा ये फर्स्ट फुल फ्लाइट है, सो देखते हैं लैंडिंग कर पाते कि नहीं। तो लगभग हम लोग पहुंच गए हैं। ओके, स्पीड है हमारा 210 knots, बिल्कुल ठीक ठाक ही है। ये हम लोग अब एक लेफ्ट टर्न ले रहे हैं
और उसके बाद हम लोग लोकलाइजर से एकदम अलाइंड हो जाएंगे। तो अभी स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। थोड़ी देर बात करेंगे रिड्यूस, अभी ठीक ठाक ही है। ये रहा हमारा लोकलाइजर, सो ठीक है, अब रिड्यूस कर देते हैं 190 नॉट्स। 190 नॉट्स परफेक्ट है लोकलाइजर को कैप्चर करने के लिए। सो हमारा लोकलाइजर मोड ऑन है। मल्टीफंक्शन डिस्प्ले है उसमें लोकलाइजर मोड ऑन है, आप लोग देख सकते हो। लोकलाइजर को ऑन करना पड़ेगा। ये लोकलाइजर से लगभग अलाइंड हो गया है हमारा फ्लाइट। लोकलाइजर कैप्चर, ओके लोकलाइजर कैप्चर। अभी ग्लाइड स्लोप आने देते हैं। ग्लाइड स्लोप कैप्चर, ओके। अभी फ्लाइट ये अपने आप डिसेंट कर रहा है, ठीक है। अभी स्पीड को रिड्यूस करते हैं। फ्लैप्स 10, लैंडिंग गियर डाउन, सो विजिबिलिटी लो है, बारिश हो रहा है, बारिश नहीं है कोहरा है, फॉगी वेदर है एकदम। स्पीड को फर्दर रिड्यूस करते हैं। और एक चीज़ मुझे लगा है एक्सप्लेन वालों को, इसका साउंड पे भी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, थोड़ा सा अपडेट लाना चाहिए। इसका FMC, इसका साउंड, सब कुछ में थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। सो हम लोग लगभग पहुंच गए हैं रनवे के एकदम करीब है हम लोग। ओके अभी दिखाई दे रहा है रनवे इन साइट। चलो ऑटो थ्रॉटल डिसएंगेज। ऑटो पायलट डिसएंगेज। ओके अरे बाप रे, सो तीन बार बाउंस किया है मेरा प्लेन, बहुत बड़ा प्लेन है, तो मैंने बताया था थोड़ा सा मुश्किल है। सो आखिरकार सक्सेसफुली लैंड हो गया है। बहुत स्मूथ लैंडिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है पहली बार के हिसाब से। सो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना, एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड बाय बाय।